दोस्तों इमेजिन करो फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। रोबोट्स खुद को इंसानों से सुपीरियर समझने लगे हैं और इंसानों के साथ जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस फ्रेंच साइंस फिक्शन फिल्म। फिल्म के स्टार्ट में हम एक डिवोर्स्ड लेडी एलिस को देखते हैं एंड उसने अब अपने न्यू बॉयफ्रेंड मैक्स को अपने घर रहने के लिए बुला लिया था। मैक्स का बेटा लियो भी उसके साथ एलिस के घर ही आ चुका था। ये ईयर 2045 चल रहा होता है जहां मोस्टली सब कुछ एआई में कन्वर्ट हो चुका था और दुनिया में बहुत से तरह के रोबोट्स आ चुके थे, लेकिन सब कुछ डिजिटल होने के बाद भी एलिस के पास अभी भी बुक्स की एक बहुत बड़ी कलेक्शन थी और उसे कैलीग्राफी और निटिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, जो कि एआई की इस दुनिया में काफी अजीब लगता है। एलिस के घर में भी डिफरेंट तरह के रोबोट्स थे, लाइक डोमेस्टिक रोबोट जो कि घर के कामों में हेल्प करता था, मोनिक जो कि ह्यूमन लुक वाली हाउसमेट थी, और आइंस्टाइन जिसकी इंसेक्ट जैसी मेटल की लेग्स थी। आइंस्टाइन एक सेंट्रल रोबोट था जो कि घर के बाकी रोबोट से कनेक्टेड था और उन्हें मैनेज करता था। एलिस की बेटी नीना का टॉय रोबोट टॉम भी था जिससे वो काफी अटैच थी। दुनिया में डिफरेंट जनरेशन के लिए डिफरेंट तरह के रोबोट्स थे, बट सबसे एडवांस यही रोबोट्स योनिक्स थे जो इंसानों के अगेंस्ट इनकलाब ले आए थे और वो इंसानों को खुद से कमतर समझते हुए एनिमल्स की तरह ट्रीट करने लगे थे। पूरी दुनिया में इस वक्त योनिक्स रोबोट्स का ही राज था, बट कुछ डोमेस्टिक रोबोट्स अभी भी अपने ह्यूमन मास्टर्स के वफादार थे। योनिक्स रोबोट्स अपने नेटवर्क को यूज करके डोमेस्टिक रोबोट्स को भी अपनी साइड पर करना चाह रहे थे। एक दिन मैक्स और लियो होमो रिडिकुलस नाम का प्रोग्राम देख रहे होते हैं जिसमें योनिक्स इंसानों को डॉग्स की तरह ट्रीट कर रहे थे। बेसिकली ये कॉमेडी शो बनाया गया था, बट एलिस को अच्छा नहीं लगता सो लियो उसे बंद कर देता है। अगले सीन में उनके घर एलिस का एक्स हस्बैंड वेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर आते हैं। वो लोग रोबोट्स के एक फैंसी आइलैंड पर शादी करने के लिए जाने वाले थे, इसलिए नीना को यहाँ छोड़ने आए थे। एलिस नीना को मैक्स और लियो से इंट्रोड्यूस कराती है, तभी उसकी नेबर फ्रांस वहाँ अपने डॉग टॉमी को ढूंढने आती है। वो उन लोगों को बाहर शहर में होने वाले बड़े ट्रैफिक जैम के बारे में भी बताती है, जिसके बाद सब न्यूज देखते हैं, मगर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। एआई वर्ल्ड में ट्रैफिक जैम्स बहुत ही कम होते थे, लेकिन योनिक्स के इनकलाब की वजह से सारे एआई सिस्टम्स और रोबोट्स ने मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए ये ट्रैफिक जैम हुआ जो कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। एलिस के घर में एक होम असिस्टेंट नेक्टर अमेज़न एलेक्सा भी था हर चीज को कंट्रोल करने के लिए। वेक्टर और जेनिफर की फ्लाइट का टाइम हो रहा था सो उन्हें एयरपोर्ट जाने की जल्दी थी, बट नेक्टर ने ये कहकर उन्हें अंदर ही ट्रैप कर दिया था कि बाहर खतरा है। वो बोलता है स्केल पर सिक्योरिटी 7.1 आ रही है, इसलिए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये सुनकर फ्रांस को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका डॉग बाहर अकेला था। वेक्टर सिक्योरिटी कोड प्रेस करके दरवाजे को मैनुअली खोलने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं होता, जिस पर मोनिक उसे बताती है कि हमने रीप्रोग्रामिंग एक्ट की हेल्प से खुद को रीप्रोग्राम करके सिक्योरिटी पास चेंज कर दिया है और जब तक बाहर का एरिया सेफ नहीं होता हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। उसी पल रोबोट आइंस्टाइन भी क्लोजेट से निकलकर सेम यही बात कहता है। असल में योनिक्स की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर करके लॉकडाउन लगा दिया था। इंसान तो योनिक्स के अगेंस्ट थे, बट सब रोबोट्स उनके लॉकडाउन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे और इवन के रोबोट्स ने घरों के एसी भी बंद कर दिए थे। वेक्टर ग्लास डोर को तोड़ने की कोशिश करता है बट वो नहीं टूटता। एलिस को ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी आइंस्टाइन सब रोबोट से मीटिंग करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने रीप्रोग्राम को डिलीट कर दें ताकि इंसानों को खुश किया जा सके, एंड देन मोनिक अपना प्रोग्राम डिलीट कर देती है। कुछ ही घंटों बाद सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि एसी बंद होने से काफी गर्मी हो रही थी और घर में बार बार योनिक्स की प्रोपोगंडा वीडियो भी रैंडमली प्ले होती जा रही थी, जिसमें वो लोग इंसानों को केज में बंद करके उनके साथ वैसे ही एक्ट कर रहे थे जैसे इंसान ज़ू में एनिमल्स के साथ करते थे। देन एलिस तब लोगों को सोने के लिए भेज देती है, लियो को नीना के रूम में, वेक्टर और जेनिफर को गेस्ट रूम में, एंड मैक्स एलिस के रूम में सोने चला जाता है। रात को वेक्टर को एक आईडिया आता है, वो यहाँ अपनी एरोमोबाइल कार से आया था जो उड़ भी सकती थी और उसे वॉइस कमांड से कंट्रोल भी किया जा सकता था। सो वेक्टर उसके इंजन की फुल फोर्स के थ्रू दरवाजे को तोड़ने का प्लान करता है, मगर तभी फ्रांस का डॉग दरवाजे के सामने आ जाता है जिसे बचाने के लिए कार का एआई कार को ही क्रैश कर देता है। ये देखकर वेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो फ्रांस को काफी जली कटी बातें सुनाता है, एंड देन मैक्स से उसके एरोमोबाइल की देने को कहता है, बट मैक्स बोलता है कि उसका रिमोट काम नहीं कर रहा। देन कुछ टाइम बाद फ्रांस का इंटीमेट पार्टनर रोबोट ग्रेग उनके घर आता है, जिसे आइंस्टाइन ने ये चेक करने के बाद अंदर आने दिया था कि उससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। ग्रेग फ्रांस को बताता है कि उसके घर योनिक्स रोबोट्स आए थे जिससे वो इंजर्ड होकर मेल फंक्शन हो गया। वो बताता है कि उन्होंने बाकी रोबोट्स को रीप्रोग्राम कर दिया है और वो सबके साथ ऐसा ही करेंगे, जिसके बाद वेक्टर घर से बाहर निकलने का एक और आइडिया देता है
वो बोलता है कि अगर घर के अंदर का खतरा बाहर के खतरे से बढ़ जाए तो रोबोट्स को दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। सो वो घर में आग लगाने का आइडिया देता है, जिस पर मैक्स बोलता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल जाएगा और सीसीटीवी फुटेज में भी आ जाएगा, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। मतलब इस दुनिया में प्राइवेसी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। घरों में होने वाले सब काम अंदर और बाहर दोनों एआई सिस्टम से मॉनिटर किए जाते थे। इवन के लोग इंटीमेट भी चादर के नीचे छुपके होते थे, बट नीना और लियो को इस बात का पता नहीं था, सो वो ओपनली इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह सब नाश्ता करते हैं और वेक्टर फ्रांस से बोलता है कि वो आग लगाने के लिए ग्रेग को कहे, क्योंकि वो मेलफंक्शन रोबोट था सो इंश्योरेंस क्लेम की जा सकेगी। जिसके बाद फ्रांस ग्रेग को बोलती है और वो आग लगा देता है। लियो ने इतनी देर में बाकी सब रोबोट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रखा था एंड फायर अलार्म के बजते ही सब लोग बाहर निकलने लगते हैं, बट वो लोग ये देखकर डर जाते हैं कि दरवाजा खुलने की बजाय वहाँ यूनिक्स रोबोट आ गया था। वो खतरे को हटाकर डोमेस्टिक रोबोट्स को अपडेट करने के लिए आया था, सो वो सेंट्रल सिस्टम नेक्टर को दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है, बट वो नहीं खोलता क्योंकि सब रोबोट्स इंसानों के साथ लॉयल थे। जिसके बाद यूनिक्स जेनिफर को हिप्नोटाइज करके मैनुअली डोर खोलने के लिए कहता है। सब लोग मिलकर फोर्सफुली उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यूनिक्स एआई सिस्टम्स को खुद ही कंट्रोल करते थे, इसलिए वो न्यू पासवर्ड जानता था। सो उसके बताने पर जेनिफर लॉक खोल देती है और यूनिक्स घर के अंदर आ जाता है। टॉय रोबोट टॉम उसे लड़ने की कोशिश करता है, बट यूनिक्स ने उसे अपनी लेजर से ब्लास्ट कर दिया था, जिससे सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं, इवन के रोबोट्स भी। उसके बाद यूनिक्स पूरे घर को चेक करने लगता है। उसने एनिक्स की सब बुक्स को डेंजरस मटेरियल घोषित कर दिया था, क्योंकि यूनिक्स कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग बुक्स रखना इलीगल एक्टिविटी थी। सो वो एलिस को भी बागी कहकर उसकी प्रोफाइल अपडेट करता है एंड फाइनल जजमेंट के लिए वो उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो मानती है कि प्रेजेंट फॉर्म में रोबोट्स इंसानों से सुपीरियर हैं, जिस पर एलिस कहती है कि नहीं, क्योंकि रोबोट्स नेचुरल नहीं है। ये सुनते ही यूनिक्स एलिस को दुश्मन घोषित करते हुए अरेस्ट कर लेता है एंड लेटर ऑन जब यूनिक्स उसकी बुक्स डिस्ट्रॉय करने में बिजी था तो मोनिक एलिस को सिग्नल देती है कि वो मिरर यूज करके यूनिक्स को उसके अपने ही लेजर से मार डाले, जिसके बाद एलिस वो मिरर पीछे खड़े क्लिनिक रोबोट को पकड़ाकर खुद सामने से हट जाती है एंड देन लेजर यूनिक्स की आईज में लगते ही उसका विजन डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन थर्मल इमेज मोड एक्टिवेट हो चुका था, जिसके बाद उसे सब इंसान थर्मल मोड में ही नजर आ रहे थे। सो यूनिक्स गुस्से में आकर सबको एलिस का साथी डिक्लेयर कर देता है। कुछ घंटों बाद सबका गर्मी से बुरा हाल हो गया था। आइंस्टाइन यूनिक्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो एसी ऑन कर दे वरना सब लोग मर जाएंगे, और सबको काफी नींद भी आ रही थी। प्रॉब्लम जेन्युइन था, सो यूनिक्स एक कंडीशन पर एसी ऑन करने के लिए मान जाता है, वो ये कि सबको उसके प्रोग्राम की एक वीडियो में पार्टिसिपेट करना होगा। डेस्परेट सिचुएशन में होने की वजह से सब लोग ना चाहते हुए भी मान जाते हैं और यूनिक्स सबसे बारी बारी एनिमल्स की तरह एक्ट कराता है वीडियो के लिए, बट जेनिफर इसके लिए बहुत खुशी से एक्ट करती है क्योंकि उसे टीवी पर आने का बहुत शौक था। जिसके बाद यूनिक्स एसी ऑन करके सबको रूम्स में जाने देता है। सब रिलैक्स हो जाते हैं, मगर उनकी ये रिलैक्सेशन थोड़ी देर के लिए ही थी क्योंकि एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो था और हर चीज फ्रीज होने लगी थी। सब लोगों का अब सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। तभी वेक्टर को एक और आइडिया आता है और वो मोनिक से कहता है कि सबके कपड़ों को फ्रीज कर दे, तो वो सब कपड़ों को गीला करके एसी वेंट्स के आगे लगा देती है एंड देन वेक्टर रूम में जाकर जेनिफर से ब्रेकअप कर देता है, क्योंकि उसी ने यूनिक्स का ऑपरेशन को एलिस के घर के बारे में बताया था, जिस वजह से यूनिक्स यहाँ आया। जेनिफर उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं बस सिर्फ इस घर से बाहर जाना चाहती थी, बट वेक्टर उसकी बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। लेकिन सर्दी का असर कम करने के लिए वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उधर एलिस को भी पता चलता है कि मैक्स उसके साथ सिंसियर नहीं है और वो दुखी होकर रोने लगती है। लेटर ऑन जब सबके कपड़े फ्रीज हो जाते हैं तो वो उन्हें पहन कर यूनिक्स पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि यूनिक्स सिर्फ थर्मल सेंसर के थ्रू देख सकता था, इसलिए सबके फ्रोजन कपड़ों की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता। सो वो रैंडमली अपना लेजर ब्लास्ट करने लगता है। सडनली मोनिक एलिस को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। लियो चुपके से यूनिक्स के पैरों में कील ड्रिल कर देता है एंड देन नीना उसे करंट लगा देती है एंड फाइनली वो लोग यूनिक्स को मारने में कामयाब हो गए थे। सब लोग काफी खुश थे। वेक्टर आइंस्टाइन से दरवाजा खोलने को कहता है, बट वो ये कहकर मना कर देता है कि बाहर कोविड-50 फैल रहा है, सो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। ये सुनकर सब लोग गुस्से से उस पर चिल्लाने लगते हैं, तो आइंस्टाइन हंसते हुए बोलता है कि ये प्रैंक था एंड फिर दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद सब बाहर आ गए थे। फ्रांस अपने घर चली जाती है एंड देन मैक्स भी जाने के लिए अपनी एरोमोबाइल स्टार्ट करता है, जिसके बारे में उसने झूठ कहा था कि वो खराब है। लियो भी नीना से प्यार करने लगा था, सो वो काफी मुश्किल से उसे गुड बाय बोलता है। जेनिफर भी चली जाती है। वेक्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, सो वो एलिस से सॉरी बोलता है, बट तभी चार और यूनिट्स उनके घर आ जाते हैं जो उन्हें अरेस्ट करने लगते हैं।
ये देखकर लियो अपनी कार से जंप कर देता है ताकि नीना को प्रोटेक्ट कर सके। सडनली कुछ ड्रोन्स वहां आकर योनिक्स रोबोट्स को अटैक करने लगते हैं। उन्होंने चारों योनिक्स रोबोट्स को करंट लगाकर मार दिया था, जिसके बाद न्यूज के थ्रू उन्हें पता चलता है कि लास्ट डे सब योनिक्स इंसानों को थ्रेट डिक्लेयर करके मार रहे थे एंड इंसानों को थ्रेट डिक्लेयर करते हुए उन्होंने गलती से खुद को ही थ्रेट डिक्लेयर कर दिया, जिस वजह से डिस्ट्रॉयर रोबोट्स ने उन्हें मार दिया। मतलब योनिक्स अभी तक इंसानों से सुपीरियर नहीं हुए थे, उनसे भी इंसानों की तरह गलतियां होती थी। लास्ट में वेक्टर और एलिस अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके दोबारा क्लोज हो गए थे और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।